क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में, क्योंकि आप काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि पंजाब में जो वल्गर सॉन्ग है या फिर हथियारों के बारे में एग्रेशन सॉन्ग है जी, जी पंजाबी भाषा में हथियारी गाने, शराबी गाने, औरत को कमजोर दसने वाले गाने बंद करने के लिए हमने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रहा है उससे जवाब मांगा है। दिसंबर 18 को डेट है, तो तब तक दोनों को फाइल करना होगा। कैसे कंट्रोल किया जाए, इस वो एक एक्ट है सिनेटोग्राफी एक्ट 1952, उस पर शोध करने के लिए उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए कोर्ट ने कहा है कि सरकार कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 1952 में बना था वो, उस टाइम लच्चर गाने या हथियारे गाने नहीं थे, लेकिन आजकल ट्रेंड है, इसलिए 1952 सिनेटोग्राफी एक्ट को संशोधन करके, मतलब अमेंडमेंट करके उसमें कोई ऐसे प्रोविजन लाए ताकि कल्चर गाने, वो लच्चर गाने, हथियार गाने बंद हो। जी पंजाबी भाषा में बहुत गलत गाना गाते हैं, उन गायक लोगों का नाम भी मैंने माननीय हाईकोर्ट में जमा किया हूँ, 10 लोगों का मैंने जमा किया और भी जमा करूंगा। खास तौर पे कुछ गाने लक कुड़ीदा 28 कुड़ीदा गाने वाले उनका नाम है, उनका दो लोग मिलके गए हैं, उनको दोनों को एक दिन जरूर बुलाएंगे हम। ये एक व्यक्ति का नहीं है सर, एक एक संप्रदाय बनाया है लोगों ने, इनको छोड़ना नहीं है, इनको खास तौर पे ये सिखाना है कि पंजाबी भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो या हमारे देश की कोई भी प्रांतीय भाषा में आप गलत नहीं गा सकते, और नौजवान लोगों को हथियारी गाने नहीं सुना सकते, आप शादी में गंदे गाने नहीं बजा सकते, इस पे लड़ रहे हैं। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या किसी को पड़ताल लगाई थी? जी 8 महीने से पंजाब सरकार के जो सभ्याचार सकत्तर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 8 महीने के बाद भी वो रिप्लाई फाइल नहीं किए थे। मैंने माननीय हाईकोर्ट को कहा कि 8 महीने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ये माननीय हाईकोर्ट का अपमान है। तो माननीय हाईकोर्ट ने सीधा उनको फटकार मारते हुए कहा कि 18 नवंबर को उनको जवाब चाहिए, क्या कर रहा है, क्या प्लान है उनका बनाने का। नोटिस ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चरल डिपार्टमेंट पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सत्यपाल जैन जी है एडिशनल सोलिसिटर है, उनको वो जवाब देंगे हमको केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, आपको लगता है स्कोप जो है वो बढ़ गया? जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि ये सिर्फ पंजाबी भाषा में गाने का मुद्दा नहीं है, पूरा हमारा देश के क्षेत्रीय भाषा में गलत गलत गाना बनाते हैं, हथियारे गाने, औरत को कमजोर बोलने वाले गाने, वो भोजपुरी हो या अलग अलग भाषा में होता है, उसको कंट्रोल करने में ये जो कोर्ट का माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो दायरा बढ़ा दिया है अब। जी।